हम लोग आज सुनेंगे विशेषकर परमेश्वर एक आग है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? एक आग है। जोर से बोलिए, कैसे वाला आग हो सकता है? हालेलुया। किस तरह का आग हो सकता है? हालेलुया। यदि इस बातों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो निश्चय ही हम एक आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर से हमें डर होगा, भय होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक है बहुत अच्छा है और मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि आज बहुत सारे नए हैं और बहुत सारे लोग पुराने हैं। तो आग के बारे हम लोग आगे सुनेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक आग है और हम लोग जानते हैं कि आग क्या करता है। कूड़ा और कटा को क्या करता है? जला देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? और साफ कर देता है। हालेलुया। आग खाना ना खाना बनाने में काम आता है। हालेलुया। आगे हम सुनेंगे इसको समझने के बाद। आग से अच्छा खाना, अच्छा भोजन तैयार होता है और कच्चा खाना को पक्का बनाकर हमारे लिए स्वादिष्ट लाता है। हालेलुया। हालेलुया। आग पुण्य का भी कारण बनता है। पुण्य का कारण जब भी हम पहले के विधि के अनुसार हम देखेंगे पास का पर्व में क्या जलाया जाता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। तो धर्म विधि के अनुसार आग पुण्य भी काम करता है। हालेलुया। कोई कोई भाई लोग सीखना चाहते हैं, कोई प्रचारक सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जटिल शब्द लेके आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आग सुरक्षा भी देता है। क्या देता है? जोर से बोलिए। और जंगली जानवरों से, सांप बिच्छों से, कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। और हम लोग इस समय आध्यात्मिक आग के बारे में अभी सुनेंगे। हम समझ गए हैं थोड़ा कुछ, इसलिए हम आध्यात्मिक आग के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। हमें ईश्वर आध्यात्मिक बनाने के लिए क्या करता है? इस तरह हम चार प्रकार के आग के बारे में हम सुनेंगे। पहला आग है संसार को भस्म करने वाली आग। हालेलुया। क्या करने वाली आग? संसार को भस्म करने वाली आग। दूसरा आग है सुरक्षा देने वाली आग। तीसरा आग है आध्यात्मिक का निर्माण करने वाली आग। और चौथा आग है नरक की आग। हालेलुया। तो चौथा भाग को हम नहीं सुनेंगे, तीसरा भाग को नहीं सुनेंगे, दूसरा भाग को नहीं सुनेंगे। आज का जो वचन है पहला भाग को सुनेंगे। हालेलुया। चार प्रकार के आग में कौन भाग को सुनेंगे? जोर से बोले। चलो बैठ जाइए। हम पहला भाग में जाते हैं, संसार का भस्म करने वाली आग। ईश्वर को जो नहीं मानता, ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को पसंद नहीं करता, परमेश्वर को लाइक नहीं करता, वे लोग इस आग में भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे अर्धकों को पसंद नहीं करता जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उनका पूजन नहीं करता, उसकी आराधना नहीं करता। और ईश्वर चाहता है कि हम किसी भी सृष्टि को आराधना ना करें, किसी भी जानवरों को आराधना ना करें, सूर्य चंद्रमा को आराधना करे, पेड़ पौधे को आराधना ना करे, परमेश्वर नहीं चाहता है। और भी देवताओं को भी आराधना ना करे, उनके सामने माथा ना टेके, उनके घबराहट के कारण से उनको शीश ना झुकाए, ईश्वर नहीं चाहता है। और जो लोग डर के मारे, भय के मारे अन्याय चीजों पर सिर झुकाते हैं और डरते हैं, ईश्वर उन्हें भस्म करने के लिए तैयार कर देता है। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए कहा था किसी भी पेड़ पौधों की पूजा नहीं करना है, किसी भी सूर्य चंद्रमा का पूजा नहीं करना है, किसी भी तारों का और किसी भी पंचों का पूजा पाठ नहीं करना है, हालेलुया, और किसी का भी आराधना नहीं करना है, हालेलुया। ईश्वर हमारे हृदय और आत्मा में निवास करना चाहता है, इसलिए ईश्वर हमें चाहता है कि हम भस्म करने वाले आग में ना जाए बल्कि अनंत जीवन जाए, हालेलुया, जो हमारे लिए तैयार किया गया है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें वचन उठाएंगे, अभी वचन उठाइए, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24 में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाले आदमी है। क्या करने वाले? इनको भस्म करेगा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, ईश्वर का प्रशंसा नहीं करते हैं, उनकी जय जयकार नहीं करते हैं। उस समय जब मूसा दुनिया में वरदान पाके आया था, मूसा ने ईश्वर का दर्शन किया था, ईश्वर को उन्होंने आग से बात करते हुए सुना था, और उस समय की बात है ये सारे वचन जो हम आज दे रहे हैं। तो आज के भी पाठ वही है, पहले भी मूसा था, आज भी कोई मूसा होगा। इसलिए इब्रानियों में भी लिखा हुआ है, इब्रानियों का नाम संत पौल के पत्र 12 अध्याय का आप 29 में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाले आदमी है। देखिए यहाँ भी कहा भस्म कर देने वाले अग्नि है, आग है, हालेलुया, समझ पा रहे हैं, हालेलुया। एक पुराना विधान से मिलता है और एक नया विधान से मिलता है। अब पुराना विधान में जाएंगे और नया विधान में जाएंगे। पुराना विधान में मूसा को नहीं माना, नए विधान में सांत पौलुस का बात नहीं माना, और इस विधान में किसका बात नहीं मानते हैं लोग? आपकी बात। फिर से बोलिए, आपकी बात। क्यों नहीं मानते हैं? हालेलुया, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सभी लोग जानते हैं कि मैं ईश्वर का वाणी सुनता हूँ, ईश्वर का बात बताता हूँ, ईश्वर जो कहता है आपको सुनाना चाहता हूँ। तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो सुनना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा बचाया जाएगा, माने शरीर भी बचाया जाएगा। संत पौलुस उन समय इब्रानियों को लिख रहा था और इब्रानियों से कह रहा था, जो नहीं सुनना चाहता है सावधान हो जाओ, क्योंकि नहीं सुनना चाहता है ईश्वर अब स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से एक बार हिलाएगा, हालेलुया, और जो हिलाई जाएगी और जो भस्म हो जाएंगे, हिलाए जाएगी वो भस्म कर दिए जाएंगे, और जो नहीं हिलाया जाएगा और जो नहीं हिलाई जाएगी वो सुरक्षा रखा जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कभी कभी, इसलिए मेरे बात को लाता हूँ कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ या नहीं, बताइए जोर से बोले ना। कितने लोग विश्वास करते हैं ईश्वर का बंदा हूँ मैं? सचेज में ईश्वर का बंदा, हालेलुया, ईश्वर ने ही मुझे दर्शन दिया, हालेलुया, ईश्वर ने ही इतनी सारी वाणी दिया दी, हालेलुया, जो बहुत सारे बातें सच हो चुका है, हालेलुया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि ये जेम्स है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, पता नहीं, हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं आ रहा हूँ विधि विवरण ग्रंथ में, ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है, भस्म कर देने वाले अग्नि है, इसलिए 15 से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। अध्याय 4 का 15। जिस समय प्रभु ने हिरोप पर्वत पर आग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की,
तुमने कोई आकृति नहीं देखी। ध्यान से सुनिएगा वचन को, इधर उधर मन मत लगाइएगा। इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनवाओ। हाँ, आप भ्रष्ट ना हो जाओ और किसी प्रकार की मूर्ति मत बनवाओ। ना किसी पुरुष, ना किसी स्त्री, ना कोई पुरुष का, ना कोई स्त्री का, ना पृथ्वी पर किसी पशु, ना किसी पशु का, ना आकाश में उड़ने वाले पंखधारी किसी पक्षी, आकाश में उड़ने वाले पंखधारी किसी पक्षी को, ना पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु, और ना पृथ्वी के जलाशय के किसी जीव जंतु की, किसी भी जलाशय के भी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर, आकाश की ओर आंखें उठाकर, सूर्या सूर्या, चंद्रमा चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाशमंडल के, और आकाशमंडल के, आकाशमंडल के समस्त तारे गानों को देखो, समस्त तारे गानों को देखो, तो उनसे और उनसे प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो, ना उनका दंडवत करो, ना उनका पूजा करो, और ना उनकी पूजा करो, और ना उनका पूजा करो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी भर के सब जातियों में बांटा है। सब प्रभु मिश्र के लोहे के भट्टी से, मिश्र के लोहे के भट्टी से तुम्हें इसलिए निकाल लाया है कि तुम उसकी अपनी प्रजा हो जाओ। किसकी प्रजा हो जाओ? ईश्वर का प्रजा हो जाओ। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसा तुम आज हो, आज तुम हो होता है। तुम्हारे कारण प्रभु ने मुझ पर क्रोध होकर शपथ, तुम्हारे कारण प्रभु ने मेरे ऊपर क्रोध होकर शपथ खाकर कहा था कि नर्तन पार नहीं कर सकूंगा, और उस रामायण देश में नहीं पहुंच पाऊंगा जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दया भाग के रूप में देने वाला है। दया भाग के रूप में देने वाला है। आगे पढ़िए। इसी देश में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं यर्तन पार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम उसे पार कर सकोगे। लोगों से कह रहा है मूसा। और उस रामायण देश को अपने अधिकार में ले लोगे, अधिकार में ले सकोगे जब सच्चे यादक बनोगे। सावधान रहो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए जो विधान निर्धारित किया है उसे कभी ना बुलाओ। तुम्हारे लिए जो प्यार किया उसे कभी मत बुलाओ। और किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसके आदेश का उल्लंघन मत करो ईश्वर का, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर है। प्रभु भस्म करने वाली अग्नि है। भस्म करने वाली क्या है? अग्नि है। जोर से बोलिए ना, अग्नि है। तो आज भी इसी तरह से मनने वाले, पूजा करने वालों के पास हम लोग सिर झुकाते हैं, सिर लगाते हैं, तो हम भी परमेश्वर की विरोध पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। और जान भी रहे हैं तो हम उसके खिलाफ हैं। हालेलुया। इसलिए आने वाला कल कैसे विनाश होगा पृथ्वी? जैसे बोले क्या गिरेगी? यहाँ आराधना न करने से परमेश्वर नाराज हो रहा है, आसानी हो रहा है लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हो रहा है? आसानी हो रहा है। मुझे भी छेद होता था, मुझे भी दुख लगता था जब मुझे वरदान मिला था। हमारे गांव के लोग, हमारे प्रचारक लोग, हमारे गांव के विश्वासी लोग, हमारे माता पिता लोग जब अभी अन्य चीज को मानते थे, और
डर के मारे, भय के मारे उनके पास पूजा करने के लिए जाते थे, भगत के पास जाते थे, ओझों के पास जाते थे और पूजा कराते थे, महिमा कराते थे, भूत निकालते थे, शैतान को निकालते थे। हालेलुया। इसे ईश्वर मना करता है, क्या करता है, मना करता है। जोर से बोलिए, मना करता है। तो हम लोग किस तरह के क्रिश्चियन हो गए थे तब? अच्छे क्रिश्चियन थे? नहीं। अच्छे क्रिश्चियन थे? नहीं। मैं कल किसी से बात कर रहा, किसी सार से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्या करेंगे हम, तो खाली पूजन विधि में भाग लेते थे और हमारे पूर्वजों भी पूजन विधि में भाग लेता था। निलपूजन विधि से ऐसा लग रहा था कि हमें उद्धार नहीं मिलेगा, हमारे शैतान नहीं निकाला जाएगा, इसलिए कोई व्यक्ति होना चाहिए था उस समय भी, लेकिन कोई नहीं थे। इसलिए हमारी पूर्वज लोग क्रिश्चियन होते भी ओझों के बाद जाते थे शैतान को निकालने के लिए, और हमारे घर से शैतान निकाले, हमारे परिवार से शैतान निकाले, हमारे रोगों को, हमारे जो माता रोगी हो गई है या पिता रोगी हो गया है उनको ठीक करे। उन लोग का कोई गलती नहीं था। हो सकते हैं कि हम ही लोग ईश्वर का वाणी नहीं सुन पाए थे। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हालेलुया। तो जब ईश्वर ने मुझे वाणी दिया और कहा कि तुम इस बड़ा लाइन में क्या करो, मेरा बारे बताओ, हालेलुया, और एक साल कहीं मत जाओ, क्या कहा, एक साल कहीं मत जाओ। देखिए, किसी को पवित्र आत्मा मिलता है तो सामर्थ शुरू हो जाता है, शक्ति शुरू हो जाता है, सामर्थ आने लगते है सचमुच में, और सामर्थ आने लगता है, शक्ति आने लगता है, तो वे लोग गांव छोड़ते हैं, अपन देश छोड़ते हैं, अपना बगान छोड़ते हैं और कहां भागते हैं, कहीं भागते हैं। और सामर्थ पाने से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाने आएगा। मुझे बड़े बड़ा गाड़ी लेके आते थे, कार लेके आते थे, जीप लेके आते थे और कहते थे कि आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हमारे घर में ऐसा बीमारी आ गया है, हमारे घर में शैतानी लग गया है, आप हमारे यहाँ आइए। मैं क्या कहता था, मेरे प्रभु नहीं कहा है कि किसी और दूसरा गाँव में जाओ, हालेलुया। उन्होंने कहा है कि अभी तुमको रणजीरा में काम करना है, हालेलुया। तो जो लोग नहीं समझ पाते थे वो लोग क्या कहते थे, कौन सा भगवान है उनका जो बाहर जाने नहीं बोलता है, ये तो उल्टा आदमी है भाई, अपने गांव में खाली रहना चाहता है। हम लोग को तो पवित्र आत्मा मिलता है, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ बोलता है, इसको कौन इस पवित्र आत्मा मिल गया जो यहाँ रहने बोलता है। उस समय भी शिकायतें आते थे, हालेलुया। समझ में आ रहा है, हालेलुया। लेकिन वचन क्या दिखाता है, आप फिर चरित्र ले लीजिए, एक अध्याय का 8 में पढ़िए, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सम्मत प्रदान करेगा। क्या प्रदान कर दिया यीशु, सामर्थ प्रदान कर दिया, किससे लड़ने के लिए, सर जोर से बोलिए, मसान से लड़ने के लिए, चुड़ैल से लड़ने के लिए, दारहा से लड़ने के लिए, जो पावर नहीं था किसी और के पास था, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालेलुया। और वो सामर्थ किसको दे दिया, आपको, आपको, आप ये लोग क्या कहेंगे, विश्वास करेंगे, जोर से बोलिए ना। बहुत सारे ओझे लोग मुझे बोले, काल परसों का लड़का शैतान निकालता है, हालेलुया। अरे पहले जब बीमार होता था तो मैं छिटा फेंकने जाता था, मुझको छिटा फेंकने आएगा, हालेलुया। गलत कह रहा था, क्योंकि मैं बीमार होता था तो कौन आते थे, ओझे आते थे, क्यों, क्योंकि उस समय कोई सामर्थ को नहीं देखा था, मेरे माँ बाप लोग नहीं देखा था और वैसा सामर्थ अनुभव नहीं किए थे, कहाँ जा रहे हो, ओझा का बुलाने,
ताकि मेरा बेटा का जो भूत लगा है उसको क्या करे, निकाल दे। हालेलुया। इसलिए वो लोग कह रहे थे कि कल परसों का लड़का, नादान लड़का अपने आप को क्या मानता है, भूत निकालने वाला, शैतान निकालने वाला। काल खत्म हो जाएगा, दो दिन में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो कभी कभी गुस्सा होके बोलता था, जवानी का पागल है। हालेलुया। उस लड़के का पावर है। हालेलुया। बोलेंगे ही बोलेंगे जवान हूँ मैं, अभी बोलेंगे बूढ़ा का बूढ़ा जैसा रहेगा। वचन का कहता है कि तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा। अब मैं आपको और एक आंखें खोलना चाहता हूँ, जो आग को किस तरह भस्म करेंगे ईश्वर, आग जलाने वाला ईश्वर है वो। हालेलुया। ईश्वर एक आग है। हालेलुया। जो पापियों का विनाश करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा, जोर से बोलिए। सभी धर्म कहते हैं पापियों को क्या करता है। हालेलुया। थोड़ा आवाज है। हालेलुया। अभी पावर आने के बाद ईश्वर ने कहा था कि सांप और तो बिच्छू को पारे तलों का करोगे, राउंड होगे। क्या कहा? राउंड होगे। और शैतान को क्या करोगे, निकालोगे। हालेलुया। तो यीशु ने 72 शिष्यों को चुना था और भेजा था और शक्ति दिया था। आज अजीब लगता है जब प्रभु यीशु ने हमें चुनता है तो आज हमारी शक्ति क्यों घट गया है। हम बोलते हैं कि चुना था और उन्होंने भेजा था पवित्र आत्मा देकर और कहा था जाओ। क्या कहा? जाओ, जाओ, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। ईसा ने कहा, ईसा ने उनसे उत्तर दिया, और मैंने शैतान को बिजली की तरह और स्वर्ग से गिरते हुए देखा है। स्वर्ग से कौन गिरा था, कैसा होते गिरा था? बिजली की तरह। बिजली की तरह मतलब बहुत संख्या में गिरा है शैतान। बहुत संख्या में शैतान ने पृथ्वी पर राज कर रहा है आज भी। हालेलुया। और उस समय भी राज किया था, और इस शैतान ने राज किया था, इसलिए हमारे माता पिता उनके पास जाते थे, जो शैतान को हरा सकता था, शैतान को प्रेरित कर सकता था, मसान निकाल सकता था, चोइल निकाल सकता था, उनके पास जाते थे। हमारे क्रिश्चियन में बोलते थे कुछ नहीं है, हम विधि में भी भाग लेंगे और इधर उमड़ धुमड़ भी कराएंगे क्रिश्चियन लोग। हालेलुया। गुस्सा लग रहा है, मैं खुद ही क्रिश्चियन हूँ, मुझे को बोल रहा हूँ, ठीक है? अपमान बोलेगा कि दूसरा लोग चिड़चिड़ी पैदा मत कीजिएगा आप लोग। कभी कभी लग जाता है टेम्पटेशन ना, हम क्रिश्चियन भी हैं और बीमारी हो गया है तो उमड़ धुमड़। आज बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं, मैं देखता हूँ अच्छे से अच्छे लोग करते हैं, अच्छे से अच्छे भाग करते हैं, अच्छे से अच्छे गुरु लोग भी करते हैं। हालेलुया। तो यीशु ने कहा था कि शिष्यों को कि तुम्हें भेज रहा हूँ बिच्छों को और सांपों को और बाहरी की सारी शक्ति को उछलने का सामर्थ्य दिया है। उछलने का सामर्थ्य दिया है शिष्यों को, इतना सामर्थ था। तो हम शिष्यों को सामर्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, जोर से बोले। किसी पुरोहित क्यों ना हो, किसी धर्म बहने क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ये सामर्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बोले। होना चाहिए, ताकि हमारे लोग कहाँ ना भागे, इधर उधर ना भागे। हालेलुया। तो हम यीशु का ही आराधना करें, यीशु का ही आराधक है, यीशु का ही क्या करेंगे, आराधना करेंगे। तो जो लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, ईश्वर क्या करता है, भस्म करने वाली क्या है, आग है, अग्नि है। इसलिए कहता है आसानी है, वो क्या कहते हैं, वो नहीं सह पाता है।
इसलिए हम भस्म हो जाते हैं। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हालेलुया। लिखा है भस्म करने वाली आग यीशु ख्रीस्त है, परम पिता है। अब उसमें क्या कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से एक बार हिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है कि आज एक आग है, ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है, अब स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने वाला है। तो वो प्रभु है, वो प्रभु कहता है कि एक बार पृथ्वी को अभी अवसर कभी हिलाया जाएगा। जो हिल जाएंगे, जो डर जाएंगे, जो भयभीत हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हिलना नहीं है बल्कि आग है वो, तो हमें भस्म करने के लिए चाहेगा। तो भस्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमने प्रभु का वाणी सुना। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी लिखी निकालिए, अब वहाँ लिख देता है 12 का, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग सावधान रहे, आप बोलने वालों की बात सुनना और स्वीकार नहीं करे। बोलने वालों के सुनना और स्वीकार ना करे, जिससे जिस लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने के वाणी को अनसुनी कर दिया है और कर दिया था। यदि वे नहीं बात सके तो हम कैसे बात सकेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें दस्तक दे रहा है, आज परमेश्वर हमें कह रहा है, आज हमें जेम्स जैसा और भी बुढ़बक लोगों को, गंवार लोगों को चुन रहा है, और वो चुनौती दे रहा है कि हमें परिवर्तन करना चाहिए, हमें बदलना चाहिए, हमें परमेश्वर के पीछे होना चाहिए, परमेश्वर के गुणगान और महिमा गाना चाहिए, और उसके आधार पर हमें जीना चाहिए। कह रहा है और हम लोग अनसुनी कर रहे हैं। तो और कहता है कि एक बार हिलाया गया है और जो हिलाए जाएंगे, अधिकतर उस समय वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु आप हुआ यह घोषित करता है कि मैं एक बार और ना केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का कहता है स्वर्ग भी हिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार और उन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि सिटी के जो चीजें हिलाई जाएगी वह नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, जो नहीं हिलाई जाएगी वह बने रहेगी। हालेलुया। हमें जो राज्य मिला है वह हिला देने वाले नहीं है, हमें जो हिला राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जा सकता है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और देते रहे, उनका इच्छा भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते रहे। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर भस्म कर देने वाले क्या है। अब हम आगे जाएंगे, अध्याय 1:3 से पढ़ सकते हैं या 10 से पढ़ सकते हैं, आप समझेंगे। वहां पर प्रभु ईश्वर द्वारा एलिया की रक्षा, किसका, प्रभु ईश्वर द्वारा, और जो एलिया को मार डालना चाहते थे, ईश्वर को वाणी सुनना नहीं चाहते थे, एलिया को कैद करना चाहते थे, ईश्वर एलिया को पराजित करना चाहते थे, लोग राजा लोग, एलिया ने क्या कह दिया था, एलिया को ईश्वर ने कहा ये लोग अन्याय देवता के पास जा रहे हैं और उनका पूजा कराना चाह रहे हैं। वो राजा जो छात से गिरकर चोट लगा था और उनको जानने के लिए एक देवता के पूजा करने वाले व्यक्ति के पास जा रहा है, उनके दूत लोग जा रहे हैं। दूत मतलब आप लोग नहीं समझते, राजाओं का दूत होता है कि नहीं होता है, यहाँ का खबर वहाँ संदेश पहुँचाता है, उसको दूत कहते हैं।
हालेलुया हालेलुया। ईश्वर का भी दूत होता है कि नहीं होता है? और उसलिए जा रहा है, वो लोग दूत लोग जा रहे हैं कि ये राजा चंगा होगा कि नहीं होगा, चंगा होगा कि मर जाएगा, उसी का पता लगाने के लिए भेजा जा रहा है। आप यहाँ आते हैं जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, जिंदा रहेगा। यहाँ आते कि नहीं आते पूछने के लिए? आते हैं। उस समय भी एलिया था, अभी भी कोई एलिया के काम कर रहा है? हालेलुया समझ रहे हैं ना? तो एलिया को ईश्वर ने कहा उनके पास जाओ और उनके उनके सैनिकों उसके उनको दूतों से कहो कि आप उनके पास क्यों जा रहे हैं, अगर वहाँ पर जाएंगे तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप राजा को जाके बोल दो वो चंगा नहीं होगा मर जाएगा। क्या कहा? क्योंकि किसके पास जा रहे हैं? वो देवताओं के पास जा रहा है इसलिए मरेगा वो। हालेलुया कहाँ जा रहा है वो? किसके कहाँ जाना चाहिए था? एलिया के पास, ईश्वर के पास। कहाँ जा रहा है वो? इसलिए मारे जाएंगे अभी। इसलिए राजा ने पूछा उसका होलिया कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, तो उन्होंने कहा कैसा ऐसा ऐसा था, मैं जान गया कौन था, एलिया था। अब एलिया को मरने के लिए, एलिया को मरने के लिए राजा ने सैनिक ही भेजे और एलिया को पता चल गया कि अभी हमको मारेंगे, इसलिए क्या किया, पहाड़ में चढ़ गया, पहाड़ में चढ़ गया, सैनिकों को भेजे और ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया कि ईश्वर इन पर का गिरे, फिर से बोले और आग गिर कर क्या कर दिया सैनिकों को, एक बार की दो बार, और कितना बार लिखा है, एक सैनिक एक डाल का सैनिक मारे गए आग से, दूसरी बार भेजा गया, दूसरी बार भी आग से मारे गए, तीसरी बार भेजा गया तो तीसरी बार सैनिकों ने क्या किया और जाके प्रणाम किया किसको, एलिया को, और कहा कि हमारे ऊपर भी आग मत बरसाइए और हमारे सैनिक के ऊपर भी आग मत बरसाइए। हालेलुया। और आग क्या कर रहा था, उनको भस्म कर रहा था, क्या कर रहा था, और एलिया को क्या कर रहा था, सुरक्षा दे रहा था, क्या दे रहा था, सुरक्षा दे रहा था। जोर से बोले, तो मैं कहूँगा भस्म करने वाली आग वो बापियों को क्या कर रहा है, भस्म कर रहा है, जो ईश्वर को आराधना नहीं करना चाहते हैं, पूजा नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए, राजाओं का दूसरा ग्रंथ आधा एक पाठ संख्या 1-13 तक। अहाब की मृत्यु के पश्चात ओमार ने इसराइल के विरोध विद्रोह किया। समरिया में अहजाय ने अपने ऊपरी कमरे के छल्ले से गिरा और उसे गहरी चोट लगी। उसने यह आदेश देकर दूतों को भेजा, जाओ और एफ्रोम के बल जुबा देवता से पूछो कि मैं इस बीमारी से स्वस्थ होऊंगा या नहीं। स्वस्थ होऊंगा या नहीं, देखिए पूछने गया है। आज भी आप लोग आते हैं ना मेरे पास पूछने के लिए? आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। कितने लोग आते हैं? बहुत सारा लोग आते हैं। और किससे प्रार्थना करके बताता हूँ मैं, गलत बताता हूँ करेक्ट बताता हूँ, कितनों को सही हुआ है लोग हाथ उठाएंगे। हाँ ताली बजाएंगे। पढ़िए आगे। तब प्रभु के एक दूत ने कि सभी एलिया से कहा, जाओ प्रभु, प्रभु के दूत ने एलिया से कहा, जाओ और समरिया के राजा के दूतों से मिलकर उनसे कहो। हाँ। क्या जाओ और उसके राजा के दूतों से मिलकर कहो, क्या इसराइल में ईश्वर नहीं है, क्या इसराइल में ईश्वर नहीं है, आज ईश्वर नहीं है, है ना। हालेलुया हालेलुया। चले जो तुम एफ्रोन के बलजुबा के पास, हाँ, पूछने जा रहे हो, बलजुबा के
पास पूछने जा रहे हो इसलिए प्रभु का यह कहना है जिस पलंग पर तुम पड़े हो उठ नहीं पाओगे आपसे तुम निश्चय ही मारे जाओगे। अभी हम लोग भी यही करते हैं। कोई ऐसा बताने वाले हैं कि नहीं है, बताइए। तब क्यों जाएंगे उनके पास पूछने के लिए? कोई जाते हैं ना? ईश्वर नहीं है अभी भी? फिर से बोलिए, हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िए। इलिया चिल्ला दिया। दूत राजा के पास लौटे उसने पूछा तुम लोग क्यों लौट के आया। उन्होंने उनसे कहा हमसे एक आदमी मिले और कहा, और उसने हमें आज्ञा दी कि जाओ आओ। तो आज्ञा दी और कहा जाओ आओ, जिस राजा ने तुम्हें भेजा है उसके पास लौट कर कहो कि प्रभु का कहना है कि क्या इसराइल में ईश्वर नहीं है। हालेलुया। आज हम कहेंगे यहाँ ईश्वर है कि नहीं है दुनिया में? है। जोर से बोले, हम किसी के पास जाएंगे नहीं दिखाने के लिए? नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बेटे ने आए थे कि मैं कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहती हूँ, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साइंस लेकर नहीं, कॉमर्स लेकर ना। तो मैंने क्या कहा था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बोला था। हाँ, और कहाँ जाइए बोला हम? खरसंग जाइए। हुआ कि नहीं हुआ बताइए जल्दी से, छोटी बात नहीं है ये। हुआ कि नहीं हुआ? बेटी आपके खाते आप शिक्षा दीजिए, आप पूछने आए थे ना मुझसे? कौन आए थे? हाँ, उसकी माँ आई है। तो आज भी पूछा जाता है कि हम कॉमर्स क्यों? कॉमर्स इसलिए क्योंकि उसका नंबर कम है, इसलिए। फिर साइंस में तो हो जाएगा, इसमें नहीं सकेंगे, बहुत बहुत रखे के टफ होगा। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा आपका हो जाएगा, आप खरसंग जाइए, और खरसंग में गए और उनका हो गया। ताली बजाएंगे। आज प्रभु मार्गदर्शन करता है और प्रभु आज संतवाना देता है और प्रभु आज पूरा भी करता है। तो क्यों जाए किसी और के पास? आज आदमी है ना मेरे पास, जाने के बाद कोई नहीं होगा, उसके बाद मत आइएगा। मेरे रहते हुए तो आप लोग कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। हालेलुया। दर दर खा ढोकर नहीं खाना पड़ेगा। हालेलुया। हम बता देंगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। चलिए, सबको जय सु जय सु। मम्मी हूँ जो अभी खासा चली गई है पढ़ने के लिए, तो वो माध्यमिक में अच्छा नंबर में पास नहीं की थी, लेकिन उसको बहुत इच्छा था कि वो बाहर पढ़ूंगी बोल के बोलती थी, और मेरा इच्छा नहीं था कि मैं उसको भेजूंगी क्योंकि मैं उसको दूर जाने नहीं देना चाहती थी, और जहाँ पढ़ते थे कैपिटल न्यू में मैं वहीं पर भेजना चाहती थी उसको, और संडे को मैं उसको स्कूल का ड्रेस सिलाने के लिए भी जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन मेरा मन मेरा आत्मा बोला कि नहीं जाना है और ड्रेस नहीं सिलवाना है। तो अंकिता बोली कि मम्मी चलो और ड्रेस सिलवाना है, लेकिन उसको इच्छा नहीं था वो स्कूल में पढ़ने के लिए, उसको बाहर ही जाना था। तो वो मुझको बोली, मैं यहाँ आई थी तो मुझको यहाँ के जेम्स मामा बोले हैं कि तुम्हारा हिल साइड में होगा वहाँ जाने के लिए। मैं मेरी बेटी का बात तो विश्वास नहीं करती हूँ, और फिर मैं बोली और एक बार बोलो कि तुमको ऐसा बोले हैं कि नहीं, तो बोले हाँ सच में ऐसे बोले हैं। उसको तो इच्छा ही नहीं था कि मैं उसको जाने दूँ, इसलिए मैं विश्वास ही नहीं कर रही थी। फिर उलसन भाई मेरा घर में आए, फिर मैं उसको बताई कि भैया यहाँ का ऐसे बोले हैं इसको बाहर जाने के लिए, और मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मेरा बेटी को मैं बाहर भेजूँगा इसका कम मार्क्स है। तो
उस दिन मैं संडे को ड्रेस सिलाने नहीं गई, मेरा आत्मा बोल रही थी कि मैं ही जाना है, आप तुमको ड्रेस नहीं सिलवाना है। तो मेरी बेटी भी बोली नहीं जाएगी, तो मैं बोली नहीं मुझको नहीं जाना है, कुछ तो है कि तुम्हारा बाहर ही होगा। उसके बाद मैं यहाँ भैया बोले, फिर हम लोग गए वहाँ का, सिस्टर से बात किए, एडमिशन भैया भी भाई भी गए हम लोग के साथ में। वहाँ सिस्टर से बात करने के बाद एडमिशन हो भी गया, हम लोग हॉस्टल भी उसको बुक करके आए। अभी वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ कि मेरी बेटी फिर साइड में गई पढ़ने के लिए। और मैं जेम्स भैया को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं लाखों करोड़ों का धन्यवाद, मैं प्रभु यीशु को भी ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ और किशन भाई को भी। जो वचन से मैं मिलता है उसी को मैं सबके देने के लिए कहता हूँ। तो वचन क्या था कि उस समय वो दिखाने आए थे ना, तो उसका वचन पूरा हो जाता है। आज उस समय भी एलिया के पास गए ना, तो एलिया साफ साफ कर दिया। आगे पढ़िए उसका उसी वचन को। जो तुम एफ्रॉन के बाल देवता से पूछने दूध भेज रहे हो, इसलिए जिस पलंग पर तुम पड़े हो उससे उठ नहीं पाओगे, तुम निश्चय ही मारे जाओगे। तब फिर उसने उनसे पूछा, वह आदमी कैसा था जो तुमसे मिला और जिसने यह कहा? उन्होंने उत्तर दिया, वह पाट का वस्त्र पहना था और उसकी कमर में चमड़े का कमरबंद कसा हुआ था। इससे उसने कहा, वह तापिस इलिया था। तब उसने एक सेना नायक को उसके 50 सैनिकों के साथ इलिया के पास भेजा। सेना नायक इलिया के पास ऊपर आया जो उसकी पहाड़ी की चोटी पर बैठा था और उसने इलिया से कहा, ईश्वर भक्त राजा ने आपको नीचे उतारने का आदेश दिया है। इलिया ने उन 50 सैनिकों के नायक को उत्तर दिया, यदि मैं ईश्वर भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरे और तुम्हें अपने 50 सैनिकों सहित भस्म कर डाले। तब आकाश से आग गिरी और उसने उसे तथा उसके 50 सैनिकों को भस्म कर डाला। हालेलुया। तो ईश्वर क्या है? एक भस्म करने वाले, समझ गए ना? हालेलुया। हम करूँगा मैं इसे, आप लोग को बधाई करता हूँ, काफ़ी समझ गए होंगे। इसलिए प्रभु के साथ खेला नहीं करना है, प्रभु के साथ हम ईमानदारी रहेंगे, पवित्र रहे कोशिश करेंगे। अभी भी प्रभु यीशु है, उस समय का घटना अभी भी घट रहा है और पूरा हो रहा है। हालेलुया। पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग को पहचानना है, आप लोग को चिन्ह के चलना है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आप दर ठोकर खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।